छोड़ो मेरा। तुम जैसी लड़की को ना मैं एक हाथ दूर ही रखता हूँ। क्या बोला तुमने? हाँ, तुम जैसी लड़की मतलब? आईना देखा है कभी? हाँ, देख लेना, समाज ने जो तुम्हारे मुंह पे एक कालिक पोती है ना, दिख जाएगी। जबान संभाल लो रजत, मेरे और मेरे पापा से दोबारा ऐसे बात की ना बहुत पछताओगे तुम। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, क्या करोगी तुम बताओ ना, क्या करोगी? थप्पड़ मारोगी? हाँ मारोगी, मुझे मारो ना, और क्या करोगी? चाटा मारोगी? मुंह तोड़ोगी मेरा? करो ना। I swear, मन तो मेरा इस वक्त यही कर रहा है कि तुम्हें इतना मारूं, लेकिन क्या करूं? मेरे माँ बाप ने तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं बनाया मुझे, आज भी अपनी हदें जानती हूँ मैं। Of course, ये तो तुम ही जानती हो, दिखा तो रही हो तुम अपनी हदें। किस हद तक गिर सकती हो तुम? पहले उस देव के साथ पूरी रात एक कमरे में बंद रही और तुम्हें फिर भी चैन नहीं आया, जाके उसके मंडप में उसकी दुल्हन बन के बैठ गई। सीधा सीधा कह क्यों नहीं देती देव से कि सुहागरात मना ले? चुप! तुम्हारी सपान गंदी है तो मुझे पता ही था, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गंदी निकलेगी ये नहीं सोच पाई थी मैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सब खत्म हो गया, जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। तुम बोल रही हो ये तो मुझे बोलना चाहिए, इतने साल तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दिए, लेकिन तुम्हें तो प्यार की अहमियत ही नहीं, तुम्हें अहमियत है तो सिर्फ पैसे की। क्या? पैसे? मुझे? हाँ। तुम जो बड़ी माँ से फ्लैट की डील कर रहे थे उसका क्या? हाँ? क्या हुआ, चौंक गए कि जो लड़की आज तक तुम पे आंख बंद करके भरोसा करती रही आज उसकी आंखें कैसे खुल गई? चौंक गए? हमारी फैमिली को किससे खतरा है मां? नजर, बुरी नजर से। खैर, नयनतारा का कुछ पता चला? बात हुई उससे? ओ, नहीं हुई। तू छोड़ ना, तू जाके आराम कर ले। सीरियसली मां, इतना कुछ होने के बाद, मेरा इस फैमिली का तमाशा बनने के बाद मैं आराम कर सकता हूँ क्या? नो वेज देव। माँ, मुझे नयनतारा को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी, उससे कुछ सवालों के जवाब लेने होंगे। I'll set this thing right. ठीक है, तुझे जो ठीक लगे, पर मुझे फोन करते रहना, और अगर नयनतारा के साथ कोई हो तो मुझे बता देना। मतलब अगर उसके माँ बाप उसके साथ हो तो मुझसे बात करा देना। Oh, come on, mom. I said, nah, मैं मैनेज कर लूंगा, you just don't worry. मैंने अपने देव की जिंदगी खतरे में डाल दी, देख लेना किन किस हद तक जीत का जुनून मेरे सर पे सवार है। इसलिए ना तू ना तेरी बेटी मेरे सामने आना, वरना जान से जाओगी, कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी नीयत ना मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी, पता है कब? जब पैसे के लिए और फ्लैट के लिए तुम बड़ी माँ के आगे पीछे डोल रहे थे ना, उनके कहने पे देव और नयनतारा को मिलाने की जिद करने लगे थे, उस दिन तुम्हारी औकात पता लग गई थी मुझे। लेकिन आंख बंद करके सब कुछ देखती रही, सहती रही। क्यों? I was in love with you, madly, deeply in love with you. हर बात नजरअंदाज करती रही, अंधों की तरह भरोसा करती रही, मैं चुप रही हमेशा। मैं हमेशा सोचती रही थी कोई बात नहीं, अगर ऐसा करने से इसको खुशी मिल रही है तो कर दे बृंदा, मेरी किसी बात से इसको दुख ना पहुंचाए। चुप रहती थी हमेशा, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी, हर पल तुम्हारे बारे में सोच रही थी। लेकिन तुमने ना मेरे बारे में उस दिन सोचा रजत, ना तुमने मेरे बारे में आज सोचा। You are so selfish. I'm shocked, Brinda. पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी नाक कट गई, लेकिन फिर भी मेरे सामने जुबान लड़ा रही हो। इतनी हिम्मत दार देनी पड़ेगी यार तुम्हारी बेशर्मी की। और मुझे तुम्हारी, जो जरूरत के लिए रिश्ते बनाता है और जब जरूरत ना पड़े तो तोड़ देता है, जब जरूरत थी तो छोड़ दिया। हाँ, और सामने जाके भीड़ में खड़ा हो गया मंगेतर, अपने मंगेतर के ऊपर उंगली उठा रहा है। हाँ? क्या करता मैं? हाँ? फोटो देखी थी तुमने अपनी और देव की, ऐसा लग रहा था बड़ी डेस्परेट कपल लग रहे थे दोनों। हाँ,
जो तुमने देखा और जो तुमने समझा वही सही है। तो फिर ड्रामा क्यों कर रहे हो? मेरी केयर करने का, मेरे साथ रहने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्यों आए मेरे लिए? बोलो ना, क्यों कंधा दे रहे हो मुझे? जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। मेरे से कोई शादी करे ना करे, मेरा दूल्हा भाग जाए रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। इसे तुम्हारा मुंह इतना खुल रहा है ना, पता है क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे सर पे छत है। लेकिन भूलो मत, तुम देव की माँ के टुकड़ों पे पल रहे हो। बहुत जल्द वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगी, तुम्हें और तुम्हारे बाप को लात मार के घर से निकाल देगी। Then you will see। मुझे तो देव की दाद देनी पड़ेगी। कितना सही था तुम्हारे बारे में, क्या सही पहचाना उसने तुम्हें? गलत इंसान से प्यार करके देव देव बोलता रहा मुझे, हर बार तुम्हारी असलियत दिखाता रहा मुझे, पर मैं पागलों की उसी से लड़ बैठती थी तुम्हारे लिए। देव समझाता रहा मुझे, बोलता रहा वो मुझे, तुम्हारी पूरी सच्चाई समझाता रहा, पर मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। पर कोई बात नहीं, अब समझ आ गया, देर से सही, पर थैंक गॉड समझ आ गया। अपनी रहना मुझे तुम्हारे साथ, और सुन लो मेरी बात, इससे पहले मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला दूं ना, यहाँ से निकल जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से, जाओ। माँ इतनी भी ठंड नहीं है जो आप मुझे इतने कपड़े पहना रही हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन ये जरूरी है। मैं नहीं चाहती कोई भी तुम्हें पहचाने, किसी को भी तुम्हारी शक्ल दिखे, और स्टेशन में एक भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो तुम्हें पहचान ले। मैं जानती हूँ नयनतारा, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ही देर की बात है, एक बार खतरा टल जाए ना तब निकाल देना ये सब कुछ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन इस वक्त ये जरूरी है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और उसमें मैं कोई लापरवाही नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना नयनतारा, मैं कितना प्यार करती हूँ। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? ठीक है, जितना गुस्सा करना है ना कर लो, लेकिन इस वक्त ही करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी जान के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब तक तो उस पारेख परिवार को पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले थे, इसीलिए वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे वो लोग, और ये मैं होने नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। Excuse me. हाँ जी सर। भाई साहब ये बिल्डिंग का बी ब्लॉक कहाँ है? इधर है, पीछे की साइड। क्यों, किससे मिलना है आपको? ये B602 में नयनतारा मैडम रहती है, इनसे मिलना है मुझे, अगर कोई एंट्री वगैरह करानी है कर पा लो। 602? ये मैडम तो अभी अभी निकली है और सारा सामान लेकर गई, इधर इधर से ही गाड़ी निकली है उनकी। सामान लेके? What the hell? नयनतारा आखिर कर क्या रही है, हर जगह से ऐसे भाग क्यों रही है? नयनतारा कहाँ हो तुम? आई एम रियली वरिड, एक बार मुझे फोन करो प्लीज, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या, तुम ठीक तो हो? क्या कर रही हो नीरा? आंखें नहीं है क्या? आंखें है, पर पिछवाड़े में नहीं है। तुम हर एक बात का टेढ़ा जवाब क्यों देती हो? क्योंकि तुम टेढ़ा सवाल पूछती हो और उल्टी लाइन खींचती हो, देखो तुम्हारी लाइन कितनी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सब चीजें अपने जैसा देखती हो, टेढ़ा। एनीवे ये कोई ना ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन नहीं है कि सीधी लाइन खींचो। दीदी ने पाउडर छिड़कने को बोला था, वो मैंने कर दिया। अच्छा, और वो जो गैप छोड़ा उसका क्या? नागिन अंदर घुस गई तो? वो नागिन है, चीटी नहीं कि इतने से गैप में। और अगर निकल गई ना तो तुम जवाब देना दीदी को, मेरी गलती नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं जाके दीदी को बोल दूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसने गैप छोड़ा। कोई था क्या? हाँ नागिन थी, जाओ ढूंढो। तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आई, कहीं मत जाना, यहीं बैठना। देव का मैसेज? नयनतारा कहाँ हो तुम? आई एम रियली वरिड, प्लीज मुझे एक बार फोन करो, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या, तुम ठीक तो हो? इसका मतलब देव को सच में मेरी परवाह है, और अगर सच में ऐसा है तो देव मेरा बुरा नहीं होने देगा, अपने परिवार से भी मुझे बचाएगा, यानी मैं उनके बीच रह के भी अपना बदला ले सकती हूँ। सॉरी,
हेलो देव। हेलो नयनतारा, थैंक गॉड यू कॉल्ड। मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। And what the hell is happening? ये सब क्या किया तुमने? I need answers, you know? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। हाँ देव, मुझे भी तुमसे मिलना है और बात करनी है। मैं इस वक्त अमलापुर स्टेशन पे हूँ। हेलो हेलो, सॉरी दोबारा से, आई एम सो सॉरी। बताओ कैसे दिन आगे? जो घर कल तक मेरा अपना था, आज मुझे वहाँ बा से मिलने ऐसे चोरी चोरी जाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। क्या कहा तुमने? अमलापुर स्टेशन? और वो तो बहुत दूर है। नयनतारा वहाँ क्या कर रही है? पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, पर तू अपना ध्यान रख दे। स्टेशन है, ट्रेन आती जाती रहती है, ये तुम्हारा कतर नहीं है। ऐसे तू अकेला गया है, मुझे इतना डर लग रहा है। Come on, mom, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे जल्द से जल्द बस नयनतारा से मिलना है, उससे कुछ सवाल पूछने हैं। I want to know what is happening. That's it. मेरे लिए वो important है। और मेरे लिए तेरी सेफ्टी। इतनी टेंशन से घर से निकला है, और नयनतारा से मिलेगा, पता नहीं क्या कहेगी वो। बात किस हद तक बिगड़ जाएगी। हे भगवान, देव इतने गुस्से में है क्या? माँ मैं गुस्से में नहीं हूँ, I'm just upset. मुझे बस उस लड़की से इतना पूछना है कि उसने ऐसा किया क्यों, हुआ क्या? That's it. फिर भी दिमाग ठंडा रखना, शांत रहना बेटा, ओके? या बड़ी माँ तो बार बार देव को बोल रही है शांत रहे शांत रहे। इसका मतलब देव सच में बहुत गुस्से में हो सकता है ना? नयनतारा की जान को खतरा होगा। मुझे उसकी माँ को बताना पड़ेगा कि देव उससे मिलने जा रहा है, फिर वो देख लेगी क्या कर। ओह नो, फोन तो मैं लाई नहीं, घर जाना पड़ेगा वापस। इनसे यही उम्मीद थी। देव पता नहीं गुस्से में नयनतारा को क्या क्या सुना देगा। पता लगा नयनतारा की माँ को गुस्सा आ गया, वो तो वैसे भी नागिन है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। पारिक फैमिली तो उसका वैसे ही टारगेट है। देव को बड़ी माँ ने मुझे यहाँ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, पहले ही कम नहीं हुआ है। केतकी, केतकी, जी दीदी, आ गई, अभी आई दीदी, क्या हुआ? यहाँ, ये रेखा अधूरी क्यों छोड़ी थी? घर में क्या कम बुरा हो रहा है जो तुम और मुसीबतों को दावत दे रही हो? कसम से दीदी, ये मैंने नहीं किया, ये इरावती ने किया। आप कहो तो पूछवा दूँ। इरावती, बस बस, तुम लोगों को सिर्फ एक काम आता है, बहाने बनाना। लेकिन मेरा देव ऐसा नहीं है, वो नयनतारा से निपटने गया है, तो अपना काम पूरा करके ही आएगा। दीदी आप तो देव को जानती है, जो काम करने की सोच लेता है वो करके ही दिखाता है। चल मेरे साथ चल। घर के बाकी बच्चे का है? अब मानस के कमरे में होंगे। क्या हुआ ये? मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रही यहां से? हुआ क्या ये अभी मेरे साथ? किसने ऐसा दूर फेंका मुझे? यहां कुछ तो गड़बड़ है, कोई शक्ति जरूर है जो मुझे ऐसे रोक रही है।
एक्सेसरी चाहिए। बाय द वे साले मुझे पता है तुझे इस व्हीलचेयर की जरूरत तो है नहीं, ये तो सिर्फ तेरा एक बहाना है निठल्ला बन के घूमने का, है ना? क्यों गाइस? एग्जैक्टली जब भी तुझसे चिपका पड़ा है। स्पर्श स्पर्श बच्चों मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम तीनों मेरे साथ आओ। इस काम का होना हमारी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे मजाक में मत लेना। पारेख हाउस से फोन क्यों आ रहा है? हेलो माँ। अनिता तू पारेख हाउस में क्या कर रही है? इतना सब होने के बाद भी तू वहां क्या कर रही है? माँ मेरी बात सुनो, मुझे बाबा से बात करनी है क्योंकि मैं यहाँ से ऐसे ही बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप सब नूडल्स, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हेलो, ये दीदी मेरे बेटों को क्यों भेज रही है? अरे इरा, मेरे हार्ट डिक्रे को भी, मेरे हार्ट डिक्रे को तो दीदी ने बलि का बकरा बनाया हुआ है, ऐसे कोई करता है क्या? नयनतारा घर से भाग गई है और मैं उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती, अच्छी तरह से ठिकाने लगाना चाहती हूँ उसे। ठिकाने लगाना है मतलब? बड़ी माँ अब ये भी समझाना पड़ेगा। पर बड़ी माँ वो देव भाई, देव हर फैसले में मेरे साथ होता है, इसमें भी होगा, वरना वो मुझे नहीं बताता कि नयनतारा कहाँ मिलेगी। यहाँ है वो, आमलापुर स्टेशन। यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन निकलती है, मतलब वहाँ भीड़ भी ज्यादा नहीं होगी और तुम लोगों के लिए उस लड़की को मारना आसान होगा। दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप मेरे बेटों को क्यों भेज रही हो, वो कोई हिटमैन थोड़े ना। तुम बीच में मत बोलो इरा, तुम लोग निकलो। जी बड़ी माँ। जी बड़ी माँ। बोलो ना। रोहन मुझे ये एडवेंचर मिस नहीं करना। रोहन मॉम वो गार्डन में जा रहे हैं, फ्रेश एयर। दीदी मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे जो हाथ दिख रहा है ना वो वहां नहीं जा। तुम मोटी बुद्धि हो क्या? एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये जानते हुए भी ऐसे बचकाने सवाल कर रही हो। सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। बस यही करती रहो, गलतियां करो और सॉरी कहो। मैंने बच्चों को इसलिए भेजा है क्योंकि मैं जानती हूँ वो स्मार्ट है, उन्हें पता है ये काम किससे और कैसे करवाना है, और देव भी तो है वहां पर, तो रहा सहा सब हैंडल हो जाएगा। पर ये सब तुम लोगों को कौन समझाए? दीदी सुनो, ब्रो ब्रो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी मॉम चाहती क्या है। अबे वही जो नई गर्लफ्रेंड के आने पे पुरानी गर्लफ्रेंड से चाहते हैं छुटकारा। एग्जैक्टली अब इन बातों पे पीएचडी करना बंद करो, और वैसे भी बड़ी माने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया दरखा मजे करने का, चले। सो लेट्स गेट गोइंग, बोमलापुर वैसे ही थोड़ा दूर। चल चल। अबे रुको सालो, हम दोनों भी आ रहे हैं। अबे यार ठीक है तू चल ले, लेकिन ये व्हीलचेयर ड्रामा नहीं चाहिए भाई। अबे ये सिर्फ फैमिली को दिखाने के लिए है, फन टाइम के लिए नहीं गाइस। चल सही, इसको छुपा दे कहीं पे। कम ऑन यार जल्दी छुपा इसको, चल जल्दी छुपा दे इसको पेड़ के पीछे। ये हो क्या रहा है? मुझे ना अपनी आंखों पे यकीन आ रहा है ना अपने कानों पे, ये क्या हो रहा है सब? नहीं नहीं वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नयनतारा की जिंदगी जोखिम में डाल दी, तुम नहीं जानती वो लोग क्या कर सकते। और नयनतारा एक बच्ची है, एक आम इंसान है वो। इस घर के अमीर लोग बदतमीज बिगड़ेल सर पिरे हो सकते हैं, मगर खूनी नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। मगर बड़ी माँ ने तो साफ साफ कहा है कि उन्हें नयनतारा से छुटकारा चाहिए, खत्म करना चाहते हैं वो उसे, और ये लड़के वही तो करना चाहते। नहीं भगवान मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूं यहाँ से और कैसे रोकूं देव को? अगर वो वाकई सब में शामिल है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं और वक्त नहीं बर्बाद कर सकती,
मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। मुझे देव के पास स्टेशन पहुंचना होगा, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। पर ये तुमने ये सुना कि मैंने उनको क्या कहा? तो ये नहीं देखा कि सबसे पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था? क्या उस दिन मंदिर में सच में मान्यता उन लोगों पे हमला कर रही थी, या फिर वो लोग उस पे? ये मैं क्या सोचने लगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फोकस वृंदा, सबसे पहले तो यहां से बाहर निकलने का रास्ता सोचना होगा। मैं अपडेट करता हूं। एक्सक्यूज मी, अभी अभी यहां से कोई ट्रेन छूटी है क्या? यहां से सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है जो कि 5 मिनट में छूटने वाली है। ओह थैंक्स। सारे यात्री बाकी डिब्बों में बैठ गए, तुम्हें इसमें बैठना है, ये सामान के लिए है। अगर कोई तुम्हारे पीछे आता भी है तो भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा इन सब चीजों के बीच। चलो। बैठो यहाँ, बैठो। माँ, लेकिन मैं जा कर रही हूँ कोटला। जैसे ही रेलगाड़ी वहां पहुंचेगी, अटोरा से मेरे जान पहचान का कोई आ जाएगा, तुम्हें वहां से ले जाएगा खमीरपुर। वहां तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी नयनतारा। और चिंता मत करो, बाद में मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तुम्हें कुछ भी करने की वैसे भी आजकल मैं कुछ कर का रही हूँ सिवाय चुप रहने के, क्योंकि जो भी करना है वो तो आप करेंगे, या फिर आपकी वो बेटी वृंदा, क्योंकि वो नागिन है और मैं नहीं। क्या कर रहे हैं? कोई ऑटो ही नहीं रुक रहा। प्लीज रुक जाइए, प्लीज ऑटो भैया, प्लीज रुक जाइए। क्या हो क्या रहा है? कोई ऑटो वाला ही रुकने को तैयार नहीं है। वैसे तो मुझे स्टेशन पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, इस वक्त मुझे सिर्फ देव और नयनतारा की सेफ्टी के बारे में सोचना है। फोकस वृंदा, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ऑटो वगैरह का वेट तो नहीं कर सकती हूं। अब बस एक ही रास्ता है।
कमाल है, ये ट्रेन अब तक चल क्यों नहीं रही है? तारा का नाम तो इसमें है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? I'm really sorry, आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे इंजन में क्या खराबी हो गई? इसे पता होगा। Excuse me, sir. नयनतारा नाम की किसी पैसेंजर की इंफॉर्मेशन है? वो लास्ट मिनट पैसेंजर है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे नहीं है। शायद कोई फ्रेश लिस्ट हो आपके पास? नहीं नहीं, आज लास्ट मिनट में तो कोई भी पैसेंजर आया नहीं है। Sure. अरे मैं बता रहा हूँ ना, एक्सक्यूज मी। इसका फोन बिजी आ रहा है, कहीं वो मुझे तो कॉल नहीं कर रही। ये किसका नंबर है? देव? नहीं, देव के प्यारे प्यारे भाई जो तुम्हें गुड बाय करने आए हैं। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? बदतमीजी तो हमने की ही नहीं, हम तो यहाँ तुम्हें गुड बाय बोलने आए हैं, और हम यहाँ किसी खास मकसद से। में बोला गया कि तुम्हारा खास ख्याल रखा जाए। हर्ष, घर पे मैसेज कर दे, सब कंट्रोल में है। डन। और ये नयनतारा भी। अबे ओटो ओटो ओटो। हट। अबे ये क्या है? बाबूद। अबे तू ये भभूत क्यों लाया है? अबे जब मुझे होश आया था ना, तो माँ ने मुझे दिया था फॉर प्रोटेक्शन। अबे स्टॉप इट, हमारी आंखों में आ गया। अबे पागल है। अरे यार पागल है क्या? पागल है तू, क्या कर रहा है यार? यार अब देखना, हम लोग सेफ हैं। दे ए? What the hell? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा परमानेंट इलाज, ताकि तुम्हारी वजह से ना हमारी फैमिली में कोई आफत ना आए फिर से। हाँ, कि तुम हमें कोई नुकसान ना पहुंचा पाओ, हम पर कोई हमला ना कर पाओ। इसलिए आज हम तुम्हारा किस्सा खत्म करने वाले हैं। नयनतारा ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा है? गायब हो गई है, फोन बंद कर दिया। Where the hell is she? Oh my God, मुझे तो लगा ये बैंड बजाएगी। ये तो बीन बजा रही है भाई। क्या? सच में नागिन म्यूजिक बजाने वाली हो क्या? अरे यार, तुम लोग क्या बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? हटो पीछे। इसको तो मैं अकेले। सही सलामत घर लौट रहा है और उस नयनतारा का भी इंतजाम हो चुका है। अब बस बची वो मान्यता जिसके लिए मैंने सजा सोच रखी है, सजाए मौत।
यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लड़के ऐसे अकेले जंगल की तरफ क्यों भागे? भाई को छोड़ने की सजा मिलेगी तुझे। भारा कहाँ है तू? ब्रो हम बेकार में उसे यहां ढूंढ रहे हैं, वो यहां नहीं है। लेट्स लीव। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। रोहन पकड़ से छोड़ी मत, पकड़ से। ये आवाज मेरा जी इतना क्यों घबरा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नया तारा, कुछ नहीं होने दूंगी। ईरा आज ना मुझे बहुत पहले जैसी फीलिंग आ रही है। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अटोरा में हम लोग ने ठीक किया था सबको ठिकाने लगाकर, बिल्कुल वैसे ही। परंतु छुटकारा कहाँ मिला? दो तो बच गई ना सालों बाद हमें डसने के लिए। सालों पहले जो गलती हुई थी वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इस बार ना मान्यता बचेगी ना उसकी वो बेटी नयनतारा। आरती लो। सुना अबे यार वो मर गई क्या? हाँ यार, लेकिन हमें जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, बट एटलीस्ट जो बड़ी माँ को चाहिए था ना वो मिल गया। तुम लोगों को बड़ी माँ ने नयनतारा को मारने के लिए भेजा था ना, बट आर यू श्योर वो मर गई है? चल चल देखते हैं। चलो चलो चलो। हाँ चल। हे भोलेनाथ, मेरा मन अभी भी क्यों घबरा रहा है? शांति क्यों नहीं मिल पा रही? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार? मानस तू तो सही कह रहा था, ये तो बच गई, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जो हमारे हिसाब से नहीं चलता ना हम उसे सीधा चलता कर देते हैं, और तेरे केस में तुझे दुनिया से चलता करेंगे। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे। छोड़। आज तो तेरा मरना तय है। नहीं मैं नहीं मरना चाहती। नयनतारा ओए, कुछ सुना तुम लोगों ने? किसी की आवाज आई। गाइस लेट्स गेट आउट ऑफ हियर जल्दी। अबे पहले से तो मारे। छोड़ छोड़ा छोड़।